छात्रा से दुष्कर्म मामले में सपा बसपा के दोनों जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। ललितपुर में नाबालिग छात्रा से वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज सपा बसपा के दोनों जिलाध्यक्षों की गिरफ्तारी की गई है। बताते चले कि मामले में 28 आरोपियों में अब तक पीड़िता के पिता सहित 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य की तलाश में पुलिस कई स्थानों पर छापेमारी में जुटी हुई है। मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा होने के चलते पुलिस किसी भी प्रकार की हिला हवाली ना करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 60 टीमें गठित की गई है, जिसमें 3 झांसी और जालौन की शामिल है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोतवाली थाने में पंजीकृत एक मुकदमा हुआ है, जिसमें कि एक नाबालिग द्वारा अपने साथ पिछले कई सालों से हुए बलात्कार की सूचना दी गई थी। इस क्रम में करीब 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में लड़की का पिता शामिल है। इसके अलावा सपा के जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष एवं अन्य लोग शामिल हैं। पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी करने के लिए 7 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा झांसी एवं जालौन की भी 2 और 1 टीम इसमें लगी हुई है। जनपद ललितपुर की एसओजी और सर्विलांस टीम भी इसमें लगाई गई है और जल्द ही अन्य लोगों जो वांछित हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए ललितपुर से ब्रजेश पंत की रिपोर्ट।